एमएनएस न्यूज लाइफ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। केंद्र सरकार ने 15 और बड़े अधिकारियों को किया जबरन रिटायर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर पर कस्टम बोर्ड के 15 बड़े अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया है। इन सभी अधिकारियों पर पद पर रहते हुए नियमावली के विपरीत कार्य करने का दोषी पाया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बोले, आरएसएस मॉडल अपनाने से ही मिलेगी जीत। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण गोगोई ने कहा कि लोगों से जुड़ने के लिए कांग्रेस को आरएसएस मॉडल अपनाने की जरूरत है। ओम बिरला लोकसभा स्वीकार के लिए दाखिल करेंगे नामांकन। बीजेपी ने लोकसभा स्वीकार के लिए राजनाथ में कोटा बूंदी से लोकसभा सांसद ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव दिया है। इस नोटिस का 10 अन्य दलों ने भी समर्थन दिया है। दाऊद का पुश्तैनी बंगला होगा नीलाम। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के मुंबई की प्रॉपर्टी के बाद खेड़ और रत्नागिरी की 14 प्रॉपर्टी की भी नीलामी की जाएगी। इसमें एक बंगला है और दाऊद की बहन पर पेट्रोल पंप की जमीन है। जल्द घर लौटूंगा खाकर निकले थे मेजर केतन। आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों से लड़ते हुए सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए हैं। मंगलवार को अनंतनाग में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुए, इसमें मेरठ के रहने वाले मेजर केतन शर्मा शहीद हो गए। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।